हाँ जी, तो अभी भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है। जो थंबनेल का आइडिया था बेसिक, इसका थंबनेल का आइडिया इस बार समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा हो सकता है लेट बने। टाइम आई थिंक टाइम तो बहुत शॉर्ट रह गया। चलें कोई नहीं, अभी हम निकलते हैं, शायद शायद वाली बात है। तो आज यार एक और इसकी जो है ना वो मज़े की चीज़ हम टेस्ट करेंगे कि इसकी सुना है जो कि लो लाइट परफॉर्मेंस है वो सोनी के कैमरों की बहुत अच्छी है, लेकिन आज लाइव टेस्ट करेंगे, आज पता चलेगा कि सोनी में कितनी जान है। ये लाजिम उठाना पड़ता है। या रोड के ऊपर चढ़ा लूँ तो फिर बात करते हैं। अच्छा, ये जितनी बनी हुई ये सारी बारिश है। वैसे उस हिसाब से तो जो है ना वो बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। मेरे ख्याल में सुबह तक होगी बारिश। अच्छा भाई, यहाँ पे बंदा गाड़ी चलाए तो क्या गाड़ी चलाए। गाड़ी जो है ना वो कुछ इस तरह चलती है यहाँ पे। स्पीड क्या है, स्पीड भी दिखाते हैं आप। मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं जा सकती गाड़ी, इतने रोड पे तो कहाँ भी जाएगी गाड़ी। हाँ जी, तो मेरा जो सबसे फेवरेट मौसम है वो है बारिश वाला, लेकिन बारिश के बाद भी जब किरणें निकलती हैं तो यार वो सीन चेक करने वाला होता है। Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. हाँ जी, तो गाड़ी की सर्विस होगी कंप्लीट, अभी जाना पार्सल उठाना है। अब चांस पे बात है कि लेपर्ड वाले ओपन होंगे कि नहीं। ये है जी डॉलर स्टोर, इंशाल्लाह कोई दो तीन दिन तक लाजम विजिट करेंगे। आज थोड़ा जल्दी है, घर वाले भी साथ हैं और पार्सल भी रिसीव करना है। जी तो मुझे यहीं को ऑर्डर हुआ था कि यहाँ मैंने स्टे करना है। यहाँ नाइट आ रहा है, उधर वहाँ पे गेम खेल रहा पबजी, क्रेजी बच्चे हैं जी। हाँ जी, तो अभी भी हम अभी अभी घर आए, पार्सल जो है हमने रास्ते में खोल लिया था। चलो देखते हैं क्या भेजा है जी BMW वालों ने। पार्सल जो मैंने रास्ते में खोल लिया था, BMW कलेक्शंस, एक BMW क्लॉथ पेपर होती है ये सफाई के लिए यूज होता है, पेपर वर्क। हाँ जी, तो अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ कि यार आपको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है। 256 GB का कार्ड है, 64 GB का काम अच्छे तरीके से चला रहा था, लेकिन आपको बड़े कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो इन माय ओपिनियन, जब अगले दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो तकरीबन हमारा प्रोजेक्ट था कि हम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक हम पूरी वीडियो कवर कर लेंगे, लेकिन वो हमें तकरीबन तीन बार हमें कार्ड जो है वो फॉर्मेट करना पड़ा, उसकी फाइल्स जो ट्रांसफ़र करनी पड़ी PC में, उसके बाद हम जो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर देते। तो ये तो होगी आपकी स्टूडियो की बात, यहाँ जहाँ पे आपने अपना PC रखा हुआ है। अगर आप कहीं आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप तो बस फंस गए, आप घर जाएंगे या अपना लैपटॉप निकालेंगे। तो उस सिनेरियो में 256 GB आई रिकमेंड की आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, किसी भी ऐसे मौके पर आपको फंसने नहीं देता। लॉट ऑफ स्पेस, आप जितनी चाहे मर्जी की फ़ोटो खींचें, वीडियो बनाएं, आपके लिए मैं कहता हूँ कि अन्य पाजो प्रोग्राम।
तो 64 GB और 256 GB में क्या फ़र्क है? सोनी ZV-E10 इनको कितना जो है वो एक स्पेस देता है, कितनी इनकी फोटोज़ बनाएगा, कितनी इनकी एक वीडियो लेंथ बनाएगा, वो मैं नोट डाउन किया हुआ है, अभी आपको बताते हैं। तो ये जितने भी मैं आपको इमेजेस या वीडियोज़ की क्वालिटी बताऊँगा ये सारी हाइएस्ट सेटिंग्स में हैं। सोनी ZV-E10 जो 4K पे नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर रहा है, जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस पे 4K हाइएस्ट सेटिंग्स पे 64 GB में देता है 1 घंटा और 15 मिनट। लेकिन अगर 256 की आप बात करें तो वो आपको देती है तकरीबन 5 घंटे और 5 मिनट। तो ये कितना डिफरेंस है कि आप इजीली, अगर आप एक सिटी भी घूमना चाहते हैं तो आप इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप इजीली फूड का, ट्रैवलिंग का, जो कुछ भी आपको चाहिए आप बल्ले बल्ले हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन है हमारा स्लो मोशन वाला, SNQ वाला, तो उसकी बात करते हैं। उसमें 64 GB में आप बना सकते हैं 7.5 घंटे के तकरीबन, ऑलमोस्ट 7.5 घंटे की आप फुटेज ले सकते हैं। लेकिन अब अगर आप 256 GB की बात करें तो उसमें 30 hours+ यानी कि 30 घंटे से भी ऊपर की फुटेज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली। हाँ जी, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि मुझे आपके साथ लाजम शेयर करनी चाहिए, कि ये चीज़ें आपको पता तो चल जाएंगी क्योंकि बहुत सारे रिव्यूअर बैठे हुए हैं, टेक रिव्यूअर, जो आपको बता देंगे। ऐसी तो कोई बड़ी बात है, लेकिन चले एक मेरी ड्यूटी थी जो मैंने पूरी कर दी। बेशक आप भाई का शुक्रिया बाद में कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनसे भी अच्छे व्लॉग बनेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारा सेटअप रेडी हो रहा है। कुछ अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ रही है, तो प्रॉपर जो है अच्छे वाले व्लॉग्स अपलोड किया करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फी माला मिलते हैं कल।